गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज पंकज जोशी एंड वेलकम टू आवर चैनल इंटेलेक्स हब। ठीक है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में। सॉइल, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और पूरा जरूर देखें। तो हम अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जिसका टॉपिक है सॉइल, जो हमारी सॉइल है वो हमारे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट से बनी हुई है। ठीक है, जिसमें सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइक प्लांट्स, एनिमल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बहुत सारी क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, वो भी जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा घर है, वो किस पे है? सॉइल पे ही तो बना है आखिरकार। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, वो सॉइल बनी किससे? सॉइल बनी है हमारी लूज रॉक्स से, जो हमारी रॉक्स बहुत ज्यादा ढीली होती है, सॉफ्ट होती है, जो आसानी से टूट जाती है। ठीक है, तो उससे हमारी सॉइल बनती है। तो हम बात करेंगे कि हमारी सॉइल की इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा। तो हम अगला टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इन आवर लाइफ। अब ये जो हमारा सॉइल रिसोर्स है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। लाइक जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली ये सब मिलता है हमें हमारी सॉइल से, इनडायरेक्टली तो सॉइल से मिलता है। ठीक है, लाइक मोस्ट फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस एंड मच ऑफ आवर क्लोथिंग लाइक कॉटन, कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट कहाँ पे उगता है? सॉइल ही नहीं होगी तो उगेगा? नहीं उगेगा। ठीक है, लाइक जूट, तो ये बहुत सारे हमारे क्लोथिंग आइटम्स भी यहीं से मिलते हैं। कहाँ से? सॉइल से। लाइक वुड, टिम्बर, ये भी हमें सॉइल से मिलते हैं। वुड एंड टिम्बर जो हमारे खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ये भी हमें सॉइल से ही मिलते हैं। और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट भी है जहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर कंट्रीज है, जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर ही होता है। मेनली यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किससे? एग्रीकल्चर से। तो हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अवर डे टू डे लाइफ के लिए। तो हम आप बात करेंगे कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी सॉइल कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, जो हमारे सॉइल को डिवाइड करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने जो हमारी सॉइल्स है उनको 8 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल, सेकंड वन इज ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज रेड सॉइल, फोर्थ वन इज लैटराइट सॉइल, फिफ्थ वन इज डेजर्ट सॉइल, सिक्स वन इज सलाइन और एल्कलाइन सॉइल, सेवन्थ वन इज फॉरेस्ट सॉइल एंड 8th वन इज पीटी सॉइल, और इनऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं इसको। बट ब्रॉडली जो सॉइल की जो कैटेगरीज होती है वो ओनली 4 होती है। फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल, सेकंड वन इज ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज रेड सॉइल, फोर्थ वन इज लैटराइट सॉइल। अब हम इन चारों के बारे में ब्रीफली में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस, इनको नोट डाउन करिए। अब हम पहली सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। ये जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा भाग में फैली हुई है इंडिया के, ठीक है। इट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द लैंड एरिया एलुवियल सॉइल से कवर्ड है, ठीक है। ये तीन रिवर से मिलकर बनी हुई है, तीन रिवर से इसको बनाती हैं। लाइक सबसे पहली ये रिवर है सतलुज, सेकंड वन इज गंगा एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और इसमें दोनों तरह की क्रॉप्स ग्रो होती है, राबी भी एंड खारिफ भी। और ये जो एलुवियल सॉइल है, इस जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन वो कवर है किससे? एलुवियल सॉइल से। किससे? एलुवियल सॉइल से। इसमें दोनों तरह की क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, राबी भी एंड खारिफ भी, लाइक सीरियल्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। और जो हमारी लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली है, ये जूट कल्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो हमारा एलुवियल सॉइल से बनी हुई है। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। एलुवियल सॉइल के बारे में इतना ही है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉल्केनिक रीजन में पाई जाती है। दी सॉइल्स आर ऑफ वॉल्केनिक रीजन, ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इनका नाम ब्लैक सॉइल भी पड़ा है। और इसका दूसरा नाम है रेगुड सॉइल।
एक क्वेश्चन आ जाता है, रेगुर सॉइल किसे बोलते हैं? रेगुर सॉइल हमें, हम ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो होता है, इसलिए इस सॉइल का नाम कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। Hence, it is ideal for growing cotton. It is also known as cotton soil. ठीक है। और ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, सदर्न एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? इसका नाम है कॉटन, सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो होता है। फिर उसके बाद ज्वार, वीट, शुगर केन, लिनसीड, ग्राम और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इस सॉइल में ग्रो होते हैं। ये था हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए, ये इनफ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इनको। अब हम बात करेंगे रेड सॉइल के बारे में, ठीक है। रेड सॉइल जो है वो हमारी वेदरिंग से, जो हमारा वेदरिंग होती है वो क्ले और सैंड की वेदरिंग होती है, उससे हमारी रेड सॉइल बनती है। इसमें सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है, FeO कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इस सॉइल का कलर रेड होता है, ठीक है। और इसमें फॉस्फोरिक एसिड की बहुत ज्यादा कमी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है और नाइट्रोजीनियस मटेरियल की कमी होती है। डेफिशियंट इन फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड नाइट्रोजीनियस मटेरियल। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं? वो होती है वीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस। ये था रेड सॉइल के बारे में, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये इनफ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ये पूछता है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? रेड सॉइल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड कंटेंट, FeO कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम आप बात करेंगे लैटराइट सॉइल के बारे में। जो हमारी लैटराइट सॉइल है वो वेदरिंग के कारण ही इसका फॉर्मेशन होता है। किसकी वेदरिंग? लैटराइट रॉक्स की वेदरिंग के कारण लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये भी रेड कलर की होती है। और रेड कलर की क्यों होती है सॉइल्स? मैंने बताया था क्योंकि उसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है। और इसमें जो जो हमारी लैटराइट सॉइल है इसमें नाइट्रोजन और लाइम की ना बहुत ज्यादा कमी होती है, इसी के कारण इस जो सॉइल है इसमें बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि इसकी एसिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर होता है वो रबर, टी, कॉफी, चिंचोना, इन चीजों का होता है। ये था लैटराइट सॉइल के बारे में। आज हमारा सॉइल का टॉपिक पूरा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक ज्योग्राफी का। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।